बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस्लामाबाद पुलिस में न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द खातिन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसमें किस तरह अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए गूगल पे आ जाना है एंड देन यहाँ पर टाइप करना है बेस्ट पीके जॉब्स एंड एंटर कर देना है। देन आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट लिंक शो हो रहा होगा बेस्ट पीके जॉब्स के नाम से, आपने फर्स्ट लिंक ओपन कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह हमारी जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नीचे आ जाना है एंड यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नज़र आ रहा होगा, इससे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जॉब्स की न्यू अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। देन वापस आपने ऊपर आ जाना है, यहाँ पर आपको चूज़ जॉब कैटेगरी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब्स का एक सेक्शन नज़र आ रहा है, आपने इस सेक्शन को ओपन कर लेना है। तो जो ही आप गवर्नमेंट जॉब्स के सेक्शन को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं काफ़ी लेटेस्ट अपडेट्स हैं इसमें जॉब्स की, आप ये भी रीड आउट कर सकते हैं। देन आपने वापस ऊपर आ जाना है, यहाँ पर टॉप पे फर्स्ट आपको पोस्ट नज़र आ रही होगी इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स के नाम से, आपने रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। देन आपके सामने इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स 2022 की जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो चुकी है। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल तमाम नौकरियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इसे लाजमी से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे कर देना, इससे जॉब्स की जो भी न्यू अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगी। देन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स के नाम से जो एडवर्टाइजमेंट थी वो ओपन हो चुकी थी। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे आना है एंड इसकी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। देन नीचे आना है, लोकेशन ऑल पाकिस्तान है, एजुकेशन इसमें मैट्रिक और इंटर है, लास्ट डेट इसमें 10 अक्टूबर 2022 है। देन नीचे आ जाना है, यहाँ पर इसमें इस्लामाबाद पुलिस जॉब 2022 में जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, सबसे पहले ASI है, एजुकेशन BA BSc है, हाइट मेल्स के लिए 5 फुट 7 इंच, फीमेल्स के लिए 5.2 इंच, चेस्ट फॉर मेल्स के लिए 33 विद एक्सपेंशन 34, वेट फॉर मेल्स के लिए मिनिमम 48 kg होना चाहिए, वेट फॉर फीमेल्स के लिए मिनिमम 45 kg। एज लिमिट आप देख सकते हैं मेल्स फीमेल्स के लिए दोनों के लिए 18 से 25 साल है। देन नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टेबल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन बताई गई है जो कि मैट्रिक है, हाइट फॉर मेल्स, हाइट फॉर फीमेल्स, चेस्ट फॉर मेल्स, वेट फॉर मेल्स, वेट फॉर फीमेल्स, एज लिमिट के सब जो है रिक्वायरमेंट्स सेम है एज इट इज़ हैं जो ऊपर बताई थी। देन असिस्टेंट्स के लिए आप देख सकते हैं एजुकेशन बैचलर होनी चाहिए, एज लिमिट 18 से 30 साल, सैलरीज की आप देख सकते हैं इसकी 60,000 सैलरी है असिस्टेंट के लिए, इसमें दोनों मेल्स फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं रिक्वायर्ड। देन नीचे इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आ जाते हैं, ये इस एडवर्टाइजमेंट पे आप देख सकते हैं असामियाँ बताई गई हैं, देन तादाद आप देख सकते हैं, डोमिसाइल कोटा, अहलियत का मयार, भर्ती के मराहल आप देख सकते हैं, पहला मरहला पेमाइश का छाती का होगा, दूसरा मरहला दौड़, तीसरे मरहले में तहरीरी टेस्ट और चौथे मरहले में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। देन यहाँ पर असामियाँ आप देख सकते हैं ASI जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, इस ASI की अलग से एक पोस्ट दी गई है सिंदरबन के लिए। देन कॉन्स्टेबल में भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्स्टेबल CTF के लिए भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्स्टेबल घुड़सवार के लिए आप देख सकते हैं पंजाब और इस्लामाबाद वाले अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्स्टेबल हैंड के लिए आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे अहलियत बराए कॉन्स्टेबल बताई गई है, अगर कोई रिटायर्ड फौजी है तो उसकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, कद 5 फुट 7 इंच, छाती 33x34 एंड उम्र उसकी 30 साल चल जाएगी। देन नीचे यहाँ पर शराइत देख सकते हैं सबका फौजी के लिए बताए गए हैं, फिजिकल तहरीरी और पेशा वाराना टेस्ट पास करने वाले के लिए यहाँ पर ही बताए गए, आपने तमाम तालीमी नादरा का जारी करदा कंप्यूटराइज्ड तकदी कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपने दो पिक्चर लेके जानी है वो भी नीले बैकग्राउंड की एंड उसके बाद आप यहाँ पर इसके मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स भी रीड आउट कर सकते हैं। देन नीचे यहाँ पर हदायत बताई गई, यहाँ भी आप रीड आउट कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थी यार आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं यार वीडियो आपको आएगी पसंद, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल तमाम नौकरियों पर नए तो हमारे यूट्यूब चैनल तमाम नौकरियों को यार लाजमी से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।